दोस्तों 90 के दशक की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन अदाकाराओं में अपना नाम शुमार करवाती है अभिनेत्री रंभा, जिन्होंने 90 के दशक में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं और अपने करियर को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचाया है। इसी वजह से आज अभिनेत्री रंभा किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 90 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री रंभा ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद इनका करियर कैसे बर्बाद हुआ है? आखिरकार क्यों ये आज बॉलीवुड में मौजूद नहीं है? पर क्या इसके पीछे इनकी प्यार शादी या बढ़ती उम्र में से किसने किया अभिनेत्री रंभा का करियर बर्बाद? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनकी जिंदगी से जुड़ी इन सभी बातों के बारे में बताएंगे। पर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। अभिनेत्री रंभा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी काबिलियत और मेहनत के बलबूते पर ही बॉलीवुड की नामचीन अभिनेत्री बनी। इसी के साथ बता दें कि अभिनेत्री रंभा का जन्म 5 जून 1976 को आंध्र प्रदेश में हुआ था और वहीं से ही इनकी सारी पढ़ाई भी पूरी हुई थी। बात करें इनके अभिनय करियर की तो बता दें अभिनेत्री रंभा ने अपना डेब्यू साल 1993 में आई तमिल फिल्म आ औकात उदाकू के थ्रू फिल्मी दुनिया में आई थी और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग स्किल्स को काफी ज्यादा सराहा गया, जिसके तुरंत बाद इन्हें थोलीमुद्दू और बंगारू कुटुम्बाम जैसी कई फिल्मों में नजर आई, जिसके बाद इन्हें कई हिंदी फिल्मों के भी ऑफर आने लगे, जिसमें जल्लाद और जुर्माना जैसी कई फिल्मों में नजर आई। पर इन्हें असली पहचान सलमान खान की फिल्म जुड़वा से मिली, जिसमें इन्होंने रूपा के रोल में कई लोगों के दिलों में अपनी गहरी छाप छोड़ते हुए इतनी बड़ी प्रसिद्धि पाई कि पूरी दुनिया इन्हें जानने लगी थी। फिर क्या इसके बाद तो इनकी किस्मत का तारा यूं चमका कि इस साल के बाद लगातार इन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जैसे घर वाली बाहर वाली, बंधन और बेटी नंबर वन, और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता जैसी कई बड़ी फिल्में ऑफर तो हुई। हालांकि साल 1992 से लेकर साल 2004 तक तो इनका करियर ऊंचाइयों पर था, पर जैसे ही अभिनेत्री रंभा ने साल 2010 में इंदिरन पद्मनाथन से शादी की और शादी के बाद ये अपने हस्बैंड के साथ अपनी मैरिज लाइफ को काफी अच्छे से एंजॉय करने लगी और इन्होंने अपने करियर पर ना के बराबर ही ध्यान देती थी। हालांकि शादी के बाद इन्हें कई फिल्मों में काम तो मिला पर इन्हें ज्यादातर साइड रोल में ही काम मिलता था, जिसके चलते इन्होंने फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया और ये अपने घर गृहस्थी में इतने ज्यादा डूब गई थी कि इन्होंने अपने करियर पर पूरी तरीके से फोकस करना बंद ही कर दिया और इन्हें फिल्मों में भी काम नहीं मिल रहा था और शादी के बाद इन्होंने अपने करियर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। इसी के साथ बता दें कि अभिनेत्री रंभा ने जब इंडस्ट्री में अपना कदम रखा था तब इनकी उम्र ठीक ठाक थी, जिसके चलते इन्हें कई फिल्मों में लीड रोल में ही काम करने का ऑफर मिलता था, पर जैसे ही इनकी उम्र बढ़ती गई वैसे ही इन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलते थे, जिसके चलते इनकी बढ़ती उम्र ने भी इनके करियर को बर्बाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इस तरह से अगर कहा जाए कि अभिनेत्री रंभा का करियर किस वजह से बर्बाद हुआ है तो बता दे रंभा का करियर उनकी उम्र और उनकी शादी की वजह से ही बर्बाद हुआ है। इसी के साथ बता दे कि अभिनेत्री रंभा आज कनाडा में अपने पति और बच्चों के साथ बेहद खुशहाल जिंदगी बिता रही थी, पर हाल ही में उनका काफी भयानक एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद ये तो ठीक ठाक है पर इनकी बेटी साथ साथ जिंदगी और मौत से जूझ रही है। तो दोस्तों आपके हिसाब से अभिनेत्री रंभा का करियर किसने बर्बाद किया है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।